नमस्कार द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं वरुण शर्मा। इस समय की बड़ी अपडेट लेकर आप सबके सामने मैं हाजिर हुआ हूं और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बसंत रथ जो कि एक बड़े अधिकारी रह चुके हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने आज अपनी सर्विस से जो है वो रिजाइन कर दिया और ये जानकारी खुद बसंत रथ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये साझा की है और उन्होंने साफ तौर से रिजाइन कर दिया है अपने सर्विस से, आईपीएस सर्विसेज से उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और उन्होंने साफ तौर से रिजाइन लेटर में क्या लिखा है वो पढ़कर मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। आई विश टू रिजाइन फ्रॉम द इंडियन पुलिस सर्विस इन ऑर्डर टू एबल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रिकल पॉलिटिकल, प्लीज कंसीडर दिस लेटर एज माई रिक्वेस्ट फॉर रेजिग्नेशन वॉलेंट्री रिटायरमेंट एंड प्रोसेस इट अकॉर्डिंगली। ये इस्तीफा जो है वो आज सुबह उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जम्मू को जो है वो उन्होंने सौंप दिया है और अपने फेसबुक अकाउंट से एक जानकारी, बहुत अहम जानकारी उन्होंने साझा की है। उन्होंने क्या लिखा है ये भी पढ़कर आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। इफ आई एवर ज्वाइन अ पॉलिटिकल पार्टी इट विल बी बीजेपी। इफ आई एवर कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन इट विल बी फ्रॉम कश्मीर। तो इन्होंने साफ तौर से ये कह दिया है कि अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी। तो अगर उन्हें इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो जम्मू से नहीं, वो कश्मीर से चुनाव लड़ना चाहेंगे। ये जानकारी खुद बसंत रथ जी ने अपने फेसबुक अकाउंट से साझा की है। हालांकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में राजनीतिक उथल पुथल जो है वो काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है और ये चर्चाएं भी काफी ज्यादा गर्म थी कि क्या बसंत रथ पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। तो आज बसंत रथ ने खुद ये जानकारी जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट से लोगों तक पहुंचाई है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अगर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी होगी, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो कश्मीर से चुनाव लड़ना चाहेंगे। आखिरकार जम्मू से क्यों नहीं, आखिरकार वो कश्मीर से ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं, ये भी आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। बसंत रथ की अगर बात की जाए, जब वो आईजीपी ट्रैफिक जम्मू कश्मीर थे तब उनका रुख साफ तौर से देखने को मिला था। जब जम्मू में वो कार्रवाई करते थे, किस तरह की कार्रवाई वो करते थे वो आप सबके सामने, वो सच सामने था। हालांकि बहुत सारे लोगों को उनके काम करने का ये तरीका भी पसंद आता था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें इनके काम करने का तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हालांकि जब आईजीपी ट्रैफिक थे तब इन्होंने कई सुधार जो है वो ट्रैफिक नियमों में जरूर लाए थे, उनके आने से कई सुधार जरूर देखने को मिले, लेकिन लंबे समय तक वो आईजीपी ट्रैफिक के पदभार पर नहीं रहे। लेकिन उन्होंने बहुत हद तक जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक की समस्याओं को हल जरूर किया था, लेकिन जब वो कश्मीर का रुख करते थे तो अब वो कश्मीर के युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आते थे, उनके साथ गाना गाते हुए नजर आते थे। तो ये साफ तौर से जम्मू के लोग ये समझ चुके थे कि बसंत रथ जो कि उस समय के आईजीपी ट्रैफिक थे, उनका कश्मीर की तरफ प्यार ज्यादा झलकता था और जम्मू जब आते थे जम्मू में किस तरह से वो अपनी कार्रवाई करते थे ये जम्मू कश्मीर की जनता खुद जानती है। लेकिन बसंत रथ जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, उन्होंने अपनी सर्विस से आज इस्तीफा दे दिया, यानी कि उन्होंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने का फैसला लिया है और उन्होंने ये भी कह दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, इसके अलावा कोई पार्टी वो ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, तो अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला तो वो कश्मीर से चुनाव लड़ना चाहेंगे। अगर मान भी लीजिए भारतीय जनता पार्टी अगर इन्हें मैंडेट दे भी देती है, अगर कश्मीर से किसी भी जगह से अगर इन्हें टिकट मिल भी जाती है, तो क्या कश्मीर की जनता क्या बसंत रथ को अपना नेता मानने के लिए तैयार हो गई? एक बड़ा सवाल होगा, बड़ा चैलेंज है बसंत रथ जी के लिए कि क्या कश्मीर की जनता बसंत रथ को स्वीकार करेगी। इस समय की बड़ी खबर, आईपीएस बसंत रथ ने अपनी सर्विस से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। अब वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और उन्होंने ये खुद कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बने रहना पब्लिश के साथ, धन्यवाद।